रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, लाइकर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु। सेम इंग्लिश में भी आप टाइप कर सकते हैं। आपको मैं पहले ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नीचे का जो वीडियो के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे ज़रूर देखा करें। साथ में जो इस वीडियो में प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आप कमेंट में ज़रूर उत्तर दें, नहीं तो अपने आप को दे दें मन ही मन में अगर आपको थोड़ा सा अजीब लगता हो तो। तो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछे थे उसमें पहला प्रश्न था, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है, तो इसका उत्तर है जो ये अपभ्रंश का सर्वप्रिय छंद है। अपभ्रंश में ज़्यादातर रचनाएं दोहा छंद में ही हुई हैं। अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उस दोहा छंद में रचित हैं। मैं आपको अभी कोई दोहा पढ़ के भी बताऊंगी। तो ये वैसे भी आपको पता है हेमचंद के दोहे, सिद्धों के दोहे, सरहप्पा का दोहा कोश, देवसेन का साव्यधम दोहा, जोगिंदु का परमात्म प्रकाश, राम सिंह जी का पाहुड़ दोहा, ये सब दोहा कोश में ही हैं। और तो क्लियरली है इसका आंसर कि अपभ्रंश का ही ये एक तरह से मौलिक छंद है। अब मैं आपको दोहा एक पढ़ के बताती हूँ। ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, हेमचंद जी का लिखा हुआ है प्राकृत व्याकरण में। भल्ला हुआ जु मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे जंतु वयसियहु जई भग्गा घर एंतु। मतलब भला हुआ जो मारिया बहिणी, हे बहन, महारा कंतु, मेरा जो प्रिय है, मेरा जो पति है वो मारा गया तो अच्छा ही हुआ। लज्जे जंतु वयसियहु, यानी कि सम वयस्कों के सामने मुझे लज्जा आती, यानी कि सहेलियों के सामने, जो मेरे बराबर की उम्र की सहेली हैं उनके सामने मुझे बहुत लज्जा आती। अगर जई मतलब अगर, भग्गा घर एंतु भागकर घर आता, यानी कि डर के घर आ जाता तो मुझे बहुत दुख होता। क्लियर, ये दोहा छंद है। छंद क्या होते हैं वो हमारे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको छंद की और ज़्यादा अच्छे से वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम और भी आपको दोहा और जो मुख्य मुख्य छंद हैं उनके बारे में अवश्य जानकारी देंगे। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है और ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, गौड़ बहो किसकी रचना है, तो उत्तर है वाक्पति राज। चौथा प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं, तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के पहले ही हम कर चुके हैं और बहुत बार ये कर चुके हैं कि तीन चरण हैं। कितने, तीन। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाकाल, मध्य भारतीय आर्य भाषाकाल और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाकाल। यहाँ तक क्वेश्चन हुए आपके, चार प्रश्न हो गए। पाँचवा है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम आपको कहीं मिलेगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी अंत में। और डिटेल में करें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में है और आधुनिक में हिंदी या पुरानी हिंदी और फिर हिंदी। क्लियर। उसके बाद है, अपभ्रंश शब्द किस भाषा का है। एक्चुअली ये संस्कृत भाषा का शब्द है और मैंने आपको ऑप्शन जो है वो गलत दे दिए थे। प्रश्न था अपभ्रंश क्या है, तत्सम शब्द है, अपभ्रंश शब्द क्या है, और उसका उत्तर है कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ना तो विदेशी है, विदेशी शब्द नहीं है, देसी शब्द भी नहीं है, तो ये तत्सम शब्द है। क्लियर। और इसका तद्भव अभ्रष्ट भी एक तरह से संस्कृत से ही लिया गया है, तो तत्सम। अब आप कहेंगे कि तत्सम शब्द होता क्या है। तत् मतलब वह और सम मतलब समान, जो संस्कृत से हिंदी में एक समान रूप से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव मतलब हो जाना, तत् मतलब वह, और भू धातु से भवती भवता भवंती, ये हो गया। क्या हो गया, अपभ्रंश से अवहट या आगे चेंज होता गया, बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो जैसे माता का माँ हो गया, पिता का हम पापा कह सकते हैं, नहीं हुआ वैसे, सर्प का सांप हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, ये तद्भव शब्द हैं। विदेशी, जो विदेशी भाषाओं के शब्दों को हमने हिंदी में आत्मसात कर लिया है उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, देसी भाषा के जो शब्द हैं उन्हें देसी शब्द कहते हैं। क्लियर। आपको पिछले वीडियो के सभी आंसर यहाँ मिल गए होंगे। अब हमारे अगले प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। तो प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने लिंग हैं। अपभ्रंश में कितने लिंग हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों की अधिकता है।
अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों की अधिकता है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। संकर होता है हाइब्रिड, यानी कि जैसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, एक एनालॉग और इसको मिलाकर बनाया गया, उसी तरह से पौधों में भी ऐसा होता है। तो संकर होता है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना, जैसे रेल गाड़ी, इस तरह से। तो आपने बताना है अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों की अधिकता है। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसके लिए ऑप्शन नहीं दूंगी, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, अब आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच में 250 से 300 सालों का फ़र्क है, मतलब टाइम लगा, और उसमें आरंभ में अपभ्रंश की बहुत सी विशेषताएं भी थी और धीरे धीरे वो विशेषताएं कम होती गई और आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं वो विकसित होती गई, उन्होंने अपना नया रूप ले लिया। तो जो ये बीच का समय, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन दे देती हूँ, परिवर्तन काल, उदय काल, अवसान काल या संक्रांति काल। परिवर्तन काल, उदय काल, समाप्ति काल कह सकते हैं या संक्रांति काल। क्लियर, इनके आंसर्स आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य है, खंडकाव्य है, साहित्य का है या व्याकरण शास्त्र है? तो आपको इनके आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स की वेट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें धीरे धीरे आपके UGC नेट हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, वीडियो के नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, साथ की बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।